सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेस सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं आया हूँ रिटोली गांव में और थोड़ा भाई साइड हो लिया। अरे भाई रिटोली गांव में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरा गांव नु को है कि इस तरह गरीब घर को ईसा को नहीं, पूरा गांव को है। मैं किसी पक्ष में कोई वीडियो बनाया नहीं करता, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है उस वीडियो की वह ज़रूर बनाया करूँ। भाई यो मकान एक बार दिखाइयो भाई, यो मकान है रिटोली गांव में राम मेरे पुत्र दरिया सिंह। यो कितने गडिंग का मकान होगा भाई, एक दो और तीन, तीन भी पूरी को तीन डिंग का मकान है। तीन में भी या 6 इंची मेरे ख्याल से 9 इंची एक साइड दीवार है, इस साइड दीवार है, या दो डिंग ढाई डिंग का घर है। ना तो अड़े लेटरिंगर ना बाथरूम, ना इनका कोई राशन कार्ड बन रहा है, बीपीएल का ओपीएच का जो भी राशन कार्ड हुए हैं कोई राशन कार्ड इनका नहीं बन रहा। इस कोरोना के चक्कर में दिहाड़ी मजदूरी कुछ नहीं है, सब खत्म हो रहा है। सरकार की तरफ से इनका एक रुपये का भी राशन नहीं मिला। आज के टाइम में इतना गरीब होना भी मतलब मैंने आज तक देखा नहीं था, लेकिन यू आज एक मकान देख लिया। इसे मैं इनका सोन सान का है, खान पीन का है, रसोई बाथरूम लेटरिंग, लेटरिंग बाथरूम थोड़ा है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो कुछ है को नहीं भाई इस मकान में। अरे सरकार जो 20 लाख करोड़ बंडे है इसने 20 रुपये भी उसमें तो नहीं मिले होंगे। ये गांव के कुछ अड़े आदमी हैं, इनसे हम बात कर लें। राम राम जी। राम राम जी। कितने एक साल तक रहे हैं जी? काफ़ी टाइम से रहे हैं जी, इसका बाप भी यहाँ रह गया है, इसका बाप भी दादा भी हाँ यहाँ ही जी। आज यहाँ लड़का रह रहा है, इसके पास कुछ नहीं, अभी राशन कार्ड भी नहीं है जी, काफ़ी टाइम से रह रहा है जी, इसके कुछ आमदनी नहीं है, बेचारा गरीब है, गरीब आदमी है, सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करता है जी ये लड़का। मनरेगा में लग रहा है अमेरिका? मनरेगा में भी शायद इसका नाम ना हो, मनरेगा में है, मनरेगा है। अरे कोरोना के चक्कर में मनरेगा का भी काम बंद हो गया था मेरे। हाँ जी हाँ जी, कुल मिला के थोड़ा बहुत काम मिला है, बस कोई खास काम नहीं है इसके पास में, मजदूरी था अपना। आज की भी छुट्टी बताइए है इनकी? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो भाई यो भाई इस टाइम अड़ा है को नहीं, अरे उसके बिना तो मैं के वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आ रहा था तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। मेरे पास कल व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई है, किसी भाई ने बना के मेरे तरफ भेजी, इन्होंने बोला भाई इस गांव ने इस घर ने आके देख लो, अगर तुमने नू लग है कि भाई बनानी चाहिए तो बना दियो, और नहीं नू लग है नहीं बनानी चाहिए तो रहने दियो। भाई भाई गर्मी लग गया, अच्छा तरह जाके खड़ा हो रहा है। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जनाब? जनाब कहना तो यह है जी भाई, बहुत गरीब ही बहुत गरीब। नू बताऊं गांव में सब तो गरीब है, गांव में सब तो गरीब है जी बिल्कुल। ये तो ऐसा काम है जी, कोई ना कोई दबके मरने वाले है जी, वो काम है जी। दारू दबा तो नहीं? ना ना बिल्कुल, ऐप तो है ही नहीं जी कुछ भी। मजदूर मजदूर है जी, मजदूर ने महीने में 10-15 दिन दिहाड़ी मिला करे बस, उसमें गुजारा उसमें देख लो। मैं एक लड़का है, एक लेडीज है, मैं तीन जने हैं जी परिवार में, तीन जने हैं परिवार में, इसका भी गुजारा बहुत औखा है, मुश्किल है कहने का मतलब। दिहाड़ी मजदूरी तो केवल ही केवल महीने में 15-20 दिन, मतलब 30 दिन में तो 15 दिन मसा मिला करे जी, मसा मिला। आएगी कोई अंदरेगा आएगी तो अभी कोई 4 दिन की आएगी, कोई 5 दिन की आएगी, अगलत है तो उसमें गुजारा तो मुश्किल है, बिल्कुल ही मुश्किल है जी। तो जितना अगर भाई इस चैनल ने भी सब्सक्राइब कर दियो, चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। इसका मकान देख लो जी भाई, अब इस मकान में देखेंगे। फिलहाल मैं तुमने एक चीज दिखा दूं, इस मकान में जो बिजली आवे है या इस तार ताव है, और यह तार भी किसी पड़ोसी ने इनको दे रखी है, मतलब यह तार बड़ी नाजुक तार हुआ है, गर्मी में भी यह पिंगल जाती होगी है ना। तो कल है राम राम जी, क्या कहते आप? हाँ सर, इससे हमारे गांव में जो इससे नहीं है, गरीब कोई नहीं है जी। अरे शरीफ ऊपर शरीफ शरीफ भी जी, कई बार उनका भाई शरीफ है, दारू पींदा तो भूखा रह जाता है, उस समय भी ये न्यू नहीं कंधा मेरे को दे दो, भूखा हूँ कई बार तो बुखार आ जाता है, जून भी टल जाती है इसकी, तो ऐसा नहीं तो गरीब कोई नहीं है हमारे गांव में। तो जिससे देखो गरीब तो है ही है, साथ में शरीफ है, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि कई बार मैं एक बार रोहतक में वीडियो बनाऊं था, 3-4 आदमी थे जो रोड पे सोते, एक आदमी दारू पीने लग रहा थोड़ा, तो उस गरीबी का भी कोई फायदा नहीं मानता मैं। एक बार घर के अंदर चला है जी,
ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਬਸ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਜਾ ਦੀਦੀ ਪੜ ਦੇ दिहाड़ी मिल तो जाए बिक जाए नहीं मिल जाए बेटे किरा कह दिन बैठ जे घर वो आखा जे बनी बनाई फिर भूखा का भूखा है मैं उसकी माँ हूँ अच्छा मेरी भी इकलो नहीं खबर रहा है एक किस्त मेरी भी खत्म यू न्यू खड़ी ईट कहन कहन तो बेचूंगी फिर भी मैंने इसकी पढ़ ली है वो इसका बने दिए तो भाई गांव में घर में अंदर बढ़ के देख लें भाई के कुछ थी आ जाऊं जी देखो जी यो मकान है यो है भाई मकान यो घर है भाई यू एक फराटा लग रहा है उस एक डोरी तक यो कनेक्शन है यो एक बल्ब देखो भाई यह रसोई है रसोई भी बड़ी गजब है दिखाइए भाई यह रसोई है भाई इनकी इसे रसोई में अड़े बैठे हैं अड़े इस कमरे में यह जो थमने दिखा है इसे में को घुसे हैं और अड़े ये बैठ कर रोटी पानी खावे हैं और यो जुगाड़ है भाई और यो इनका दीवान है बेड को नहीं भाई यू अरे यू 3 फुट का दीवान है 3-3.5 फुट का दीवान है यो इनका अड़ा है अरे ये मेरे ख्याल से नीचे ही अड़े सुन दे होंगे भाई यह जंकी है अरे यह जंकी है यू एक फराटा है अरे यह भाई कड़ी है कड़ी भी सारी जमा खत्म हो रही है मेरे ख्याल से 8 फुट ऊंची या दीवार छत हो गई है बस 8 फुट अरे देख लो भाई 9 कड़ी है यो कितना मेरे ख्याल से 6 फुट का तो कमरा चौड़ा है मैंने तो नू लग गया है और इसकी नू लंबाई ला लें तो भाई यू अंदाजा सा 6 फुट का दीवान हुआ है 6.5 फुट का होंदा होगा यू 7 फुट का यू मकान है 6x7 में 3 मणस रोए हैं 3 मणस भाई पूरा गांव इसकी गवाही देवे है कि इसते गरीब कोई को नहीं पूरा गांव बड़ी गजब की बात है इनका राशन कार्ड को नहीं बना इन्होंने सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली अरे कहीं से कोई इनकी सुविधा नहीं है सरपंच साहब यहाँ पे के कर रहे हैं बिरानी या डेगा MLA के कर रहे हैं बिरानी अरे मंत्री तो खैर अपने घर रेस्ट कर दे होंगे इसी तरह बैठे होंगे ऐसी स्थिति में आदमी ने के करना चाहिए अगर ढंग से ठंडी बारिश आ जाए तो मकानू कानू गिरेगा और 3 आदमी नू के नू मरेंगे इसमें सुन दे नहीं होगा जी दबका मरण का काम है भाई अरे कोने पे यू घर सा है अरे सारी दीवार इनकी गली पड़ी है या पाइप है ऊपर द पानी की या गली पड़ी है आप गराड़ी हो जी उसकी कितने साल तक आप रो हो जी 10 साल हो गए 10 साल हो गए सरकार कोई मदद नहीं कर रही जी नहीं चलो भाई देखो मैं और तो मैं के इनसे बात करूंगा लेकिन सच्चाई तो यह है बहुत खराब दयनीय स्थिति है अगर भाई सरकार से नहीं बनता तो हम बतेरा कर देंगे सरकार ने कह दो हमारे हाथ में को नहीं हम कर देंगे और सरकार वोट मांग है अरे जब हंड है तो नू भी देखना चाहिए मकान किसा है पूरे गांव में सब तक गरीब मकान है सब तक गरीब घर है इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए भाई मेरे पास कुछ फालतू बोलने नहीं है आपने दिखण लग रहा है और पूरा गांव इनकी गवाही भी देवे क्यों जी नहीं होगा यू यही है जी देखो यो आदमी बीड़ी तक नहीं पींदा जी ये बिल्कुल गरीब आदमी है इसके पास में कुछ भी नहीं है और जो मकान है ये भी टूटा फूटा पड़ा है वोट मांगने तो आज नारे भी गाल दे लुगाइया का वोट दे दो ले हम कर लांगे नारा तो और वो करहन खातर को नहीं हुआ खड़े कुछ भी मरण दियो साड़े ने मरण दियो भूखा सही बात ना उसने बेटा दिहाड़ी पावे ना लेना ना देना ये मेरे टोलडे चुपे थे जे बोर्ड के दबण में हो रही हूँ पैसा लेके लग गया ना एक किस्त भी रख गए
एक किस्त भी रह गई बताई की या बैठी हूं। तो भाई इस तरह फालतू और तो मेरे तरह कुछ कहने देनी है। सरकार अगर देखती हो उनकी आत्मा जिंदी हो इस बारे में सोच सके तो कि मैं सोच लियो भाई, अरे नहीं तो भाई कल ने खबर अखबार में खबरें कि मैं उठ पटांग आई पाऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भाई